फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस्कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं बेसन धारा तरकारी। ये एक बहुत इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी रहता है। फ्रेंड्स, हमारे घर में ये एक बार हफ्ते में बनता ही बनता है, क्योंकि हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है। हम इसको उपमा में खाते हैं, पूरी में खाते हैं, डोसा के साथ खाते हैं, वड़ा के साथ खाते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है, या फिर मुझे जैसे अचानक से कोई आ गया, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, कहीं हम लोग बाहर से आए हैं, जल्दी कुछ बनाना है, तो मैं ये बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए प्याज, आलू, टमाटर। टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है और सबको मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट किया है। ये देखिए, आलू भी, टमाटर भी, ये देखिए। और उसके साथ ग्रीन चिल्ली, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चना दाल, तड़के में ऑयल, रेड चिल्ली, सरसों, जीरा और हींग, और बेसन, धनिया पत्ता, पानी। और मसालों में मैंने लिया है सॉल्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए, और रेड चिल्ली पाउडर। मैंने अभी तेल गरम करके तड़के का सारा इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया इसमें। अभी सरसों थोड़ा फूटने लगेगा तो हम लोग इसमें ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए, सरसों फूटने लगा है, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर सौते कर देंगे। इसके बाद ऑनियन, थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी ताकि ऑनियन हमारा थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। इसको हम लोग अभी ढक देंगे। देखिए, अभी हमारा ऑनियन थोड़ा कुक हो गया है। अभी मैं इसमें आलू और चना दाल को ऐड कर दूंगी। चना दाल से एक क्रंचीपन आएगा इसमें। इसको थोड़ी देर हम लोग सौते करेंगे। ये देखिए, आलू थोड़ा सा पक गया है। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिला देंगे। ये आप कुकर में भी बना सकते हैं, बस सब मिला के सारा मसाला डाल दीजिए और एक सीटी लगा दीजिए। लेकिन मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि थोड़े स्लो फ्लेम में सब्जी बने, अपने ही पानी से वो पके तो बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं भी कुकर में बना देती हूँ। अभी इसमें हम लोग सारा स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको लगा थोड़ा ये ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा आप गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ी देर ऐसे ही स्लो फ्लेम में इसको कुक कीजिए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था, जो टमाटर का पानी निकला उससे ही ये पक गया है। और इसी बीच मैंने थोड़ा पानी गर्म कर दिया था, अभी इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और हमेशा आप गर्म पानी ही ऐड कीजिए, क्योंकि हमारा सब्जी गर्म रहता है तो हम लोग गर्म पानी ऐड करेंगे तो इससे बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आप ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो उसका स्वाद ही अलग हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर रही हूँ, एक बॉयल आने के बाद मैं थोड़ा लो फ्लेम कर दूंगी। देखिए, ये अभी पूरा बन गया है, मैं आपको एक आलू निकाल के दिखाऊंगी।
पूरा पक गया है। इसी बीच मैंने बेसन में पानी डाल के उसका घोल बना दिया था। और अभी इसको हम लोग इसे धार दे देंगे, इससे वो थोड़ा थिक बन जाएगा। आपका इसका कंसिस्टेंसी कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा उसका ग्रेवी वाला कंसिस्टेंसी चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कीजिए, अगर थिक चाहिए तो थोड़ा पानी कम ऐड कीजिए और बेसन थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए। बस बेसन डाल के हमें थोड़ी देर इसको उबालना है, फिर हम लोग इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। बाद में अगर आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो फिर से थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके आप इसको और एक बॉईल दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा। जैसे अगर आपको पूरी के साथ खाना है तो थोड़ा आप इसको थिक बनाइए पूरी या रोटी के साथ, अगर उपमा के साथ खाना है तो थोड़ा आप इसको थिन बनाइए। ये अभी आप बनाइए, ये मेरा तो बन गया है, आप बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, कितना टेस्टी लगा। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये।